महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई है। अब कथा के प्रकरण की ओर गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़ रहे हैं। त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों की तीनों नदियों का संगम। अब सब लोग जानते हैं प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है और उस माघ मेला में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित होते हैं। आज भी वो माघ मेला लगता है और बड़े प्राचीन समय से ये माघ मेला प्रयागराज में लगता आ रहा है। पुराने समय की बात है, भरद्वाज मुनि का आश्रम था त्रिवेणी के किनारे और हर साल माघ के महीने में न जाने कितने संत कितने साधु वहां आकर के वास किया करते, रहा करते पूरे एक महीने। तो जब माघ मेला पूरा हुआ, माघ का महीना पूरा हुआ, तो भरद्वाज मुनि से विदा लेकर के जितने साधु थे सब जा रहे हैं। एक एक करके भरद्वाज मुनि ने सबको विदा किया, लेकिन सबके बाद में आए यज्ञबलिक। यज्ञबलिक मुनि जब जाने को तैयार भए तो क्या किया भरद्वाज ने, दोनों हाथ जोड़कर के चरणों को पकड़ लिया। हे मुनि, बस आप ही बिदाना मांगो, मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय पड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे मन में एक संशय है और आप ही उस संशय का निवारण कर सकते हैं क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। भरद्वाज मुनि बोले, यज्ञबलिक बोले, भरद्वाज आप तो परम ज्ञानी हैं और आपके मन में भी संशय और उस संशय का निवारण मैं कर सकता हूं। बात बड़े अचरज की, समझ में आने वाली बात नहीं। एक बार और समझाएं, आपके मन का संशय क्या है? बोलो जय सियाराम। यज्ञबलिक को बिठाया, यज्ञबलिक पूछ रहे हैं भरद्वाज क्या संशय है तुम्हारे मन में, तो दोनों हाथों को जोड़ करके कह रहे हैं कि राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का बड़ा प्रभाव है यज्ञबलिक, संतों में, संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने राम नाम की बड़ी महिमा गाई है। मुझे पता में कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिन राम का नाम गाया गया है वो राम, और अयोध्या के राजा दशरथ के घर में पैदा हुए वो राम, दोनों एक हैं या अलग हैं? अगर एक ही है, अगर वास्तव में राम ब्रह्म है, तो फिर वो जब उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया तो कामी पुरुष की भांति क्यों घूमते रहे? हे सीता पुकारते क्यों घूमे?
अगर वास्तव में वो ब्रह्म है तो बन बन में क्यों फिरे? आप मुझे ये भी बताने की कृपा करें कि अगर ब्रह्म निर्गुण निराकार है तो वो सगुण साकार बनके धरती पर कैसे प्रकट हुआ और क्यों प्रकट हुआ? और आप मुझे सुनाई रहे हैं तो फिर कसर मत छोड़ना, राम जी का जन्म कैसे हुआ, राम जी का विवाह कैसे हुआ, राम को वनवास कैसे मिला, केवट से कैसे राम की भेंट भई, शबरी पर कैसे राम ने कृपा करी, और रावण को मार करके लंका राम ने कैसे जीती, सारी कथा सुना। बड़े प्रसन्न हो गए यज्ञ बलि और कहने लगे कि तुम्हारे मन का जो रहस्य था वो मैं जान गया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, तुम मन वचन और कर्म तीनों से राम के भक्त हो, लेकिन आज तुम्हारा मन राम कथा श्रवण को हुआ है, इसीलिए तुमने ये प्रश्न किए हैं। बंधुओं, एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताऊं, जिस दिन व्यक्ति के मन में राम कथा श्रवण का भाव जग जाए, शास्त्र कहते हैं कि उसी दिन देवता नरक से निकाल करके उस व्यक्ति के पितरों का सम्मान करके और सम्मान के साथ उन्हें स्वर्ग लेकर के आते हैं, जिसके मन में राम कथा सुनने का भाव जग जाए। हमारे प्रभु दयाल जी आप लोगों के बीच में बैठे लगभग 2-3 साल हो गए, वृंदावन आए थे कथा में और वहीं इन्होंने राम कथा का नारियल सौंपा था। बंधुओं, कथा सुनना तो दूर, उसी दिन इनके पितरों पर राम जी की कृपा हो गई। ये संकल्प जिस दिन मन में आ गया, राम जी की कृपा उसी दिन इनके पितरों के ऊपर हो गई। तो यज्ञ बल कह रहे हैं, बड़े बड़भागी हो भरद्वाज जो राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है, जो राम कथा सुनने का मन तुम्हारा बना है। लेकिन सुनो, जो प्रश्न, जो संशय तुम्हारे मन में है ना, ऐसा ही संशय है किसके मन में हुआ? जगत जननी सती के मन में। भगवान भोलेनाथ की पहली पत्नी थी ना सती। क्या कह रहे हैं? और देखो, थोड़ा चौपाई मेरे साथ में गाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक बार कुंभज रे सिपाही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार युग माही, एक बार त्रेता युग माही। संभ हो गए कुंभज रे सिपाही, संभ हो गए कुंभज रे सिपाही, संभ हो गए वज्रे सिपाही, संभु गए वज्रे सिपाही। राम कथा सुनने का मन एक बार भगवान शंकर का हुआ, भगवान भोलेनाथ के मन में राम कथा सुनने का भाव जगा, और सती मैया को, जगत जननी सती को साथ में लेकर के भगवान शंकर कुंभज ऋषि। देखो, कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त मुनि। इनका प्राकट्य कुंभ के कलश के अंदर से हुआ, इसीलिए इन्हें कुंभज ऋषि कहते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम पे गए, अगस्त मुनि ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो बड़े प्रसन्न भए, आरती उतारी।